साथियों, जब भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सत्ता में आते हैं, पूरी शासन प्रणाली को रिवर्स गियर में ले जाते हैं। बीजी चल रही देश की गाड़ी पीछे की तरफ खींच के ले जाते हैं। देखिए, जो महंगाई नियंत्रण में रहनी चाहिए वो कांग्रेस सत्ता में आते ही महंगाई बढ़ने लगती है, आतंकवादी वारदातें बढ़ने लगती है, देश में हिंसा बढ़ने लगती है, असंतोष बढ़ने लगता है, भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है, कालाधन बढ़ने लगता है। और कमी क्या होती है? देश की समृद्धि कम होने लगती है, देश की साख कम होने लगती है, सैनिकों का मनोबल कम होने लगता है, ईमानदारी का सम्मान कम होने लगता है। ऐसी रिवर्स गियर वाली पार्टियां ने किसी राज्य का और न ही देश का भला कर सकेगा। साथियों, रिवर्स गियर वाली इन पार्टियों को न तो दलितों और पिछड़ों के न तो मान की चिंता है और न ही उनके काम की परवाह। दलितों पिछड़ों के नाम पर आज के नए राजघराने सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिलाना चाहती थी। आपकी ये दशकों पुरानी मांग थी, लेकिन जब भी केंद्र में कांग्रेस और उसके सहयोगी की सरकार बनी, उन्होंने ओबीसी कमीशन बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमारी सरकार बनने के बाद एनडीए सरकार ने जब इस काम के लिए कदम बढ़ाया, तो ये पिछड़ों की बातें करने वाले नेताओं ने ओबीसी कमीशन की राह में रोड़े अटकाना शुरू कर दिया। साथियों, हमारी नीयत साफ थी, इसलिए सारी अड़चने दूर करते हुए ओबीसी कमीशन का संवैधानिक दर्जा देने का काम एनडीए की सरकार ने कर दिया।